जय श्री राम दोस्तों, आज हम हरि और हर अर्थात भगवान नारायण एवं भगवान शिव के मध्य अटूट प्रेम से संबंधित एक कथा बताएंगे, जिसमें हनुमान जी ने भी आवश्यक भूमिका निभाई है। एक बार भगवान शिव जी ने स्वप्न देखा कि विष्णु भगवान गरुण जी पे बैठकर उनके पास आ रहे हैं, तथा वहीं दूसरी ओर नारायण भगवान ने भी स्वप्न देखा कि शिव जी उनके पास बैल पर बैठकर आ रहे हैं। दोनों ने निश्चय किया कि बहुत काल हो गया है, काफी समय से हम मिले नहीं, तो वैकुंठ से नारायण चले एवं कैलाश पर्वत से शिव जी तथा मानसरोवर में दोनों की भेंट हुई। मिलने के पश्चात दोनों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से एक दूसरे का आलिंगन किया। दोनों मानसरोवर में उतरे और क्रीड़ा करने लगे, एक दूसरे पर जल डालने लगे, और ऐसा करते करते दोनों को हजारों वर्ष बीत गए, जिसको देखकर सभी देवी देवता बहुत चिंतित हुए। सभी देवी देवता ने भगवान नारायण एवं भगवान शिव की बहुत स्तुति की, लेकिन भगवान नहीं माने और क्रीड़ा में लगे रहे। तब नारद जी ने उपाय निकाला और बोले, भगवान नारायण एवं शिव को जल क्रीड़ा से बाहर मात्र हनुमान जी ही निकाल सकते हैं। सभी मिलकर उस स्थान पर गए जहां हनुमान जी राम नाम जप कर रहे थे। सबने हनुमान जी से विनती की कि भगवान नारायण एवं महादेव की क्रीड़ा हजारों साल से चल रही है, सृष्टि की व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। हनुमान जी ने सोचा, हरि और हर को ना तो बलपूर्वक ना ही उन्हें क्रोध दिलाकर अलग कर सकते हैं। फिर हनुमान जी को उपाय आया कि बस राम नाम के आश्रय से ही हरि एवं हर जल क्रीड़ा से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि राम नाम शिव जी को अति प्रिय है और नारायण को तो अपना नाम है ही प्रिय। हनुमान जी तो है ही सभी विद्याओं में पारंगत। बस फिर हनुमान जी एक चट्टान पर बैठकर मधुर संगीत में राम नाम का गान गाने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बस फिर क्या, राम नाम की मधुर ध्वनि सुनकर दोनों हरि एवं हर अर्थात नारायण एवं महादेव का ध्यान हनुमान जी के राम नाम की जप की ओर आकृष्ट हो गया और वे अपने जल क्रीड़ा से बाहर आ गए। जय सियाराम, जय जय हनुमान।